नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा की अनाज मंडी में, जहां कुछ ही देर बाद कर्मचारी व्यापारी किसान महासम्मेलन शुरू होगा और किसानों के बड़े नेता जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शरीक होंगे। गुरनाम सिंह सडूनी यहाँ पहुँचेंगे, कुछ पंजाबी सिंगर्स भी पहुँचेंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको सिरसा की अनाज मंडी की दिखा रहा हूँ, पूरा मंच तैयार किया जा रहा है, तमाम जो किसान हैं पहुँचना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त का ये बड़ा महासम्मेलन है जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी महासम्मेलन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मंच पर जो है तैयारियां की जा रही हैं, किसान भी पहुंचना शुरू हो चुके और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरह जो मंच है, और बताया जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में जो है आज किसान यहां शरीक होंगे और इस पूरे महासम्मेलन में कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, कुछ बड़ी नीतियां बनाई जाएंगी और कृषि कानून पर भी जमकर वार होगा। कुछ अहम रणनीतियां भी इस महासम्मेलन में बनाई जाएंगी। तो कुछ किसान हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि इस सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे भी जो आज दा वन पर जय जवान जय किसान, जो साड़ी आज दी मीटिंग प्रोग्राम बहुत बड़ा सरसे जिले में प्रोग्राम किया गया, ये किसानों ने तिने कानूनों के बावजूद भी जिन्ना चेर तिने कानून वापस नहीं होंगे, असी अपना इस तरह अंदोलन जारी रखांगे। चाहे करनाल आ, सरसा है, रोहतक आ, सहार आ, जिथे जिथे भी अपना प्रोग्राम अज इस करके बहुत वड्डा प्रोग्राम लिया गया। किसानों की मीटिंग दिल्ली तो साड़ी जो भी लीडर ने सारे आ रहे ने दिल्ली तो, इस करके असी ये प्रोग्राम बनाया। तो जिस तरह से करनाल वाला प्रकरण है, किसानों की जीत हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक बहुत बड़ी जीत है जी साड़ी। देखो कट्ठ अगे जन अगे सरकारां फिक्कियां ने, ये भी साड़ा एक कट्ठ है, असी सरकार नूं दिखा रहे हैं। उन्हां दियां रैलियां ते तां असी बहुत जा जा के देख लिया, हुण असी आप दियां रैलियां कर रहे हैं। असी सरकार नूं गोड्यां परने कर देंगे। हो चुकी है मुजफ्फरनगर महापंचायत हुई, बहुत तगड़ा कट सी, अज भी इतने बहुत भारी कट हो रहा है। तो वो करके मतलब सरकार नूं झुकना पऊगा हर हेले। जिहड़ा इत्थे इंसीडेंट दो तीन होए है साडे मुंडिया, तो लाठीचार्ज इत्थे भी होया, सरसे भी होया, जिहड़ा सुनीता दुग्गल का जां दुशंत चटाले का असी विरोध किया सी उहदे विच। हुण अगे तो असी जिहड़ा करनाल की जित होई है किसानां दे उत्ते, जिहड़ा अत्याचार किया सी सरकार ने, उहदे खिलाफ असी आपदी जित हासिल की है। तो अगे तो असी इहो जिहा इंसीडेंट हो ही नहीं देंगे। लाठीचार्ज प्रशासन नूं, असी देखो असी तो कोई गलती करनी नहीं गी, पर प्रशासन ने सरकार दे कहे ते साडे उत्ते लाठीचार्ज किया, उहदी निंदा करदे आं असी। ते अगे तो असी इहो जिहा आपदे कट्ठ साडा इक आ मजबूत आ, असी इहो जिहा इंसीडेंट होण ही नहीं देंगे। आपका मानते कि इस महासम्मेलन से कितना फर्क पड़ेगा? महासम्मेलन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि कोरोना काल के बाद महासम्मेलन करना जरूरी था। दूसरी बात, जो समेंगी सरकार है, जन आंदोलन करना उसके एंटी जरूरी है, क्योंकि हर मोड़ पर कानून की संविधान की समय की सरकार धज्जियाँ उड़ा रही है, लोग उसको उसकी पालना कर रहे हैं, सरकार धज्जियाँ उड़ा रही है। जैसे करनाल में एपिसोड इतना लंबा सरकार ने जानबूझकर करवाया, उन चीज़ों को देखते हुए सरसा में बार बार कभी कोई इनका बीजेपी का नुमाइंदा, कभी जेजेपी का नुमाइंदा, किसी गाँव में घुसता है, किसी शहर में यूनिवर्सिटी में घुसता है, किसी स्कूल में घुसता है, उसका देखते हुए हमें संयुक्त मोर्चे ने ये महासम्मेलन करने के लिए बोला, इसलिए आज की डेट रखी। आज लगभग 35-40 हज़ार लोग इधर इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं भी सब लोग समय की सरकार के सामने खड़े होने की अपनी कैपेसिटी रखो। जो अपने नुमाइंदे चुने हुए होते हैं, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, या किसी भी सरकार की हो, वैसे लड़ाई सत्ता में बैठी हुई सरकार के सामने होती है, उसी के सामने बात रखनी होती है भी हर आदमी जागृत हो जाए समय की सरकार से बात करने के लिए, ताकि आने वाले समय में आम पब्लिक को कोई भी दिक्कत ना आए। तो मेरे साथ इस जो भारतीय किसान चुनौती ग्रुप के हैं जो जिला अध्यक्ष है सिकंदर सिंह रोड़िया, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, सर क्या कहना चाहेंगे इस महासम्मेलन को लेकर? आज बहुत ऐतिहासिक दिन है सिरसा के लिए, जिसमें किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी यूथ का एक बहुत बड़ा सम्मेलन, जिसमें हर एक जगत संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा परिवार यहाँ पर दस्तक दे रहा है। और आज सिरसा साथ में लगता है राजस्थान और पंजाब, वो भी एक इतिहास तोड़ेगा, क्योंकि लगातार फ़ोन आ रहे हैं सभी लोगों के। तो मैं यही बेनती करूँगा, आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है, जिस तरह मुजफ्फरनगर में बना था। आज 10 महीने से जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं महासम्मेलन से जो है कितना फ़र्क जो है पड़ेगा? देखो करनाल के कल बहुत बड़ी जीत हुई है, करनाल में हमारी किसानों की बहुत बड़ी संयुक्त किसान मोर्चे की जीत हुई है, तो यहाँ से भी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा सरकार के पास, जो हम देना चाहते हैं वे आगे इलेक्शन आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शुरुआत कर चुके हैं हम,
मोदी की जड़ें उखाड़ने के लिए अभियान शुरू हो चुका है। अगर नहीं संभलेंगे, आज यहाँ से भी बहुत बड़ा मैसेज पास होना है, अगर नहीं संभलेंगे तो वो जड़ें उखाड़ के खूह में फेंक देंगे हम लोग। कौन कौन से नेता आज पहुँचेंगे? आज सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, सरदार बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल जी, सुरजीत सिंह फूल जी, सुरेश कोच जी, बरिंदर हुड्डा जी और अतुल अंजान जी, मतलब बहुत जितने भी उसमें हमने बैंडर में लगाए हैं, सभी पदाधिकारी, सभी सिंह डायरेक्टर सभी आ रहे हैं। कोई शायद किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो वो अलग है, कोई बीमार हो गया वो बात अलग है, मौसम क्योंकि वेदर की चेंजिंग चल रही है, कई साथी बीमार भी हो रहे हैं, हमारे बातचीत हुई थी जिन्होंने और भी आना था, तो पर यहाँ पर एक इतिहास रचने जा रहे हैं, वो सिरसा का सम्मेलन इतिहास रचेगा। कुछ अहम डिसीजन भी आज दिए जाएंगे कृषि कानून को लेकर? देखो जो संयुक्त किसान मोर्चा आएगा वो ही लेगा, हम तो उनकी पालना करनी है। तो ये मेरे साथ सिकंदर सिंह रोड़ी जिन्होंने बताया कि जो है इस महासम्मेलन के अंदर कुछ बड़े डिसीजन थे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लिए जाएंगे, तो आप इस खबर को देखकर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।